कुछ लोगों का मानना है कि डायबिटीज रिवर्सल की डाइट में खूब सारे फ्रूट्स खाने चाहिए, और कुछ लोगों का मानना है कि डायबिटीज रिवर्सल की डाइट में फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सही क्या है, फ्रूट्स खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बड़ी सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। डायबेक्सी के प्रोडक्ट्स आपको आसानी से ऑनलाइन Amazon, Flipkart समेत बहुत से वेबसाइट्स पर मिल जाते हैं। तो अब देर किस बात की, डायबेक्सी आटा आज ही ऑर्डर करें, फायदा जरूर होगा। डायबेक्सी आपको मेडिकल डॉक्टर और डाइटिशियन की कंसल्टेंसी फ्री में प्रोवाइड करते हैं, इसलिए डायबेक्सी से जुड़िए, कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि डायबिटीज रिवर्सल की डाइट में फ्रूट्स का क्या इम्पैक्ट है, तो हमें थोड़ा सा डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। फूड के तीन मेजर न्यूट्रिशनल कंपोनेंट होते हैं, जिनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है बॉडी में जाके, प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है और कार्बोहाइड्रेट शुगर्स में कन्वर्ट होता है। तो तीन टाइप के मेन शुगर हैं जो बॉडी में कन्वर्ट होते हैं। एक ग्लूकोज, जो ग्रेन्स या पल्सेस से शुगर आती है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा गैलेक्टोज, जो मिल्क से आती है, जिसको मिल्क शुगर हम कह सकते हैं। और तीसरा फ्रुक्टोज, जो फ्रूट से आती है, जिसे हम फ्रूट शुगर कह सकते हैं। जब हम कोई फ्रूट खाते हैं तो वो बॉडी में जाके फ्रुक्टोज शुगर रिलीज करता है, और वो शुगर ब्लड से फटाफट लीवर के अंदर चली जाती है। फ्रुक्टोज को ब्लड से सेल के अंदर जाने के लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि ग्लूकोज को ब्लड से सेल के अंदर जाने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। और फ्रुक्टोज इसीलिए फटाफट लीवर के अंदर चला जाता है क्योंकि उसे इंसुलिन की जरूरत नहीं है। और दूसरा रीजन ये भी है कि जो फ्रुक्टोज है उसको यूज करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो मशीन लगी है वो लीवर के अंदर ही है, बाकी और सेल्स में वो मशीन नहीं है। इसलिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रुक्टोज जो ब्लड में होता है वो लीवर के अंदर जाता है, और लीवर ही उसको यूज कर पाता है, दूसरी सेल्स उसको इतनी आसानी से यूज नहीं कर पाती। तो लीवर में जाने के बाद फ्रुक्टोज मेनली चार चीज़ों में कन्वर्ट होता है। एक तो जो फ्रुक्टोज है वो ऑलमोस्ट 50% ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है लीवर सेल के अंदर। तो जितना ग्लूकोज एज ए एनर्जी वहाँ यूज हो सकता है वो हो जाता है, बाकी एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, फ्रुक्टोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोजन एक स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन उसका एक लिमिटेड कैपेसिटी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप ग्लाइकोजन स्टोर नहीं कर सकते। तीसरा, जो फ्रुक्टोज है वो लैक्टेट में कन्वर्ट होता है। लैक्टेट भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, पर ज़्यादा लैक्टेट का होना बॉडी के लिए ठीक नहीं माना जाता। और चौथा, फ्रुक्टोज ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये वही ट्राइग्लिसराइड की हम बात कर रहे हैं कि जब आपका ब्लड टेस्ट आता है और उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड लिखा होता है, तो हम ये उसी ट्राइग्लिसराइड की बात कर रहे हैं। फ्रुक्टोज वो वाला ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाता है, और जब ये ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गया और फैट बढ़ गया, तो आप देख रहे हैं कि जो फ्रुक्टोज है उसका काफ़ी बड़ा पोर्शन फैट में कन्वर्ट हो सकता है, और वो फैट लीवर सेल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। और जब ज़रूरत से ज़्यादा फैट लीवर के अंदर डिपॉजिट होने लगता है तो इस कंडीशन को फैटी लीवर कहते हैं। और पता कैसे चलता है ये फैटी लीवर का, जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वहाँ दिख जाता है कि लीवर में ज़्यादा फैट डिपॉजिट है। जब फैट्स जो है लीवर सेल्स के अंदर खूब भर जाता है, लीवर सेल्स फैट से फुल हो गई हैं, उस समय अगर इंसुलिन ब्लड में से ग्लूकोज उठा के लीवर के अंदर डालना चाहता है तो सेल्स अपना दरवाज़ा बंद कर देती हैं, क्योंकि उनका घर तो ऑलरेडी भरा हुआ है, वो और कुछ अंदर नहीं ले सकती, और उस इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस बढ़ाने लगती है। तो आपने देखा कि ज़्यादा फ्रुक्टोज लीवर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ावा देता है। और जो ये डायबिटीज रिवर्सल का जो प्रोग्राम है, जो कॉन्सेप्ट है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्सल का कॉन्सेप्ट है। और कोई भी फूड प्रोडक्ट जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है वो डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए ठीक नहीं है। तो मेरा मानना ये है
कि डायबिटीज रिवर्सल की डाइट में ज़्यादा फ्रूट का होना ठीक नहीं है, लेकिन जो लोग फ्रूट सजेस्ट करते हैं उनका कहना ये है, उनकी दलील ये है कि जब हम फ्रूट खाते हैं तो उससे ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता, और ऐसी चीज़ खाने से जिससे ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता तो वो तो डायबिटीज़ में यूज़ कर लेनी चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ये ब्लड टेस्ट क्या होता है? जब वो लेबोरेटरी वाला आदमी घर से ब्लड सैंपल लेके जाता है तो जो ब्लड का सैंपल है उसको लैब में ले जाके उसमें एक केमिकल मिलाते हैं, और वो केमिकल ब्लड में जो भी ग्लूकोज होता है उसके साथ चिपक के रिएक्शन करता है और एक कलरफुल कंपाउंड बनाता है, कलर डेवलप होता है, और वो कलर कितना गाढ़ा है वो एक मशीन से हम नाप लेते हैं। तो जितनी कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा है उतना ज़्यादा मतलब ब्लड में ग्लूकोज है, और जितना कलर इंटेंसिटी कम है इसका मतलब ब्लड में ग्लूकोज उतना कम है। इस तरीके से हम कोरिलेट करके ब्लड में ग्लूकोज का पता लगाते हैं। इस मेथड को GOD POD मेथड कहते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज मेथड। अच्छा, ये जो मेथड है ये तो ब्लड में ग्लूकोज नापने का है, फ्रुक्टोज नापने का थोड़ी है। देखिए, जब हम फ्रूट खाते हैं तो ब्लड में जाके फ्रुक्टोज देता है, ग्लूकोज नहीं दे रहा है। तो जब ग्लूकोज वो दे ही नहीं रहा है तो ब्लड शुगर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ब्लड शुगर मतलब हम ग्लूकोज नाप रहे, फ्रुक्टोज नहीं नाप रहे। लेकिन जो ब्लड में ये फ्रुक्टोज गया है ये लीवर में फटाफट चला जाता है, ऑल दो हम समझ गए कि इसको इंसुलिन की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अपने आप चला जाता है, और लीवर में जाके काफ़ी बड़ा अमाउंट फ्रुक्टोज का फैट में कन्वर्ट हो सकता है और वो फैटी लीवर क्रिएट कर सकता है और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ा सकता है। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो वो डायबिटीज रिवर्सल के लिए ठीक नहीं है। देखिए, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये डायबिटीज़ रिवर्सल का कॉन्सेप्ट है या डायबिटीज़ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये सेल्फ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, और सेल्फ मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा, किसी ना किसी का स्टूडेंट बनना पड़ेगा। तो मैं एम्फसाइज करता हूँ कि आप स्टूडेंट बने, ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बने। देखिए, स्टूडेंट बनने से बड़ा फ़ायदा होता है। मैं अपनी लाइफ का एक किस्सा आपको बताता हूँ कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, और आप जानते हैं ऐसी फैमिलीज़ में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हमेशा बने रहते हैं। तो जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ और 11 12th क्लास में आया तो मेरे और मेरे फादर के जूते का साइज़ एक हो गया। तो जो मेरे पुराने जूते होते थे मेरे फादर वो ले के सिलवा के खुद पहन लेते थे और मेरे लिए नए जूते ला के देते थे। और जो ये सिचुएशन थी ये कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं थी, और मैं कुछ करना चाहता था, मैं लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था। तो मैंने मेडिकल एंट्रेंस दिया पर मैं फेल हो गया। फिर उसके बाद मैं फार्मेसी कॉलेज में गया, वहाँ पे मैंने बी फार्मा किया, और कॉलेज से निकलने के बाद मेरी एक फार्मा कंपनी में नौकरी लग गई, और मेरा काम था कि डायबिटीज़ की दवाइयाँ बेचना। तो जैसे ही मेरी नौकरी लगी मुझे लगा कि मुझे एक मौका मिला है लाइफ में कुछ करके दिखाने का। तो मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक फील्ड में काम करता था, कभी किसी हॉस्पिटल में, कभी किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे, कभी घर पे, कभी फार्मेसी शॉप में, कभी डिस्ट्रीब्यूटर के पास में। और इस बात का ये फ़ायदा हुआ कि मुझे एक बेस्ट सेल्स परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिला, और अवार्ड्स में मिली किताबें। और जब वो किताबें मैंने पढ़ी तो वो किताबें पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर लाइफ में तरक्की चाहिए तो सेल्फ डेवलपमेंट के बगैर नहीं आएगी। तो उसके लिए मैंने किताबें पढ़नी शुरू की, मैं बहुत लोगों का स्टूडेंट बना। जो फुटपाथ पे आप किताबें बेचने वाले देखते हैं जहाँ सस्ती किताबें मिलती है, मैं वहाँ से किताबें खरीदता था, मैं सेकेंड हैंड बुक्स खरीदता था। और मैंने देखा कि जैसे जैसे मेरी नॉलेज बढ़ने लगी वैसे वैसे मेरी लाइफ में तरक्की मिलने लगी, मुझे सक्सेस मिलने लगी, प्रॉस्पेरिटी आने लगी। तो मेरी सक्सेस का रीज़न है कि मैं बहुत लोगों का स्टूडेंट बना, मैंने बहुत लोगों से सीखा, लेकिन मैं किसी का भी ब्लाइंड फॉलोअर नहीं हूँ। वही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि किसी के ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बने, स्टूडेंट बने, सीखिए, और जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। 10 आदमी हैं, 10 एडवाइस देंगे, हो सकता है 2-3 आपके काम की हो, बाकी काम की नहीं हो। तो जो आपके मतलब की एडवाइस है वो रख लीजिए, बाकी रहने दीजिए। तो स्टूडेंट बनिए, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। अच्छा, मेरे ओपिनियन से 3 आदमियों को डायबिटीज़ रिवर्सल की डाइट के टाइम फ्रूट्स को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला, जो लोग ऑलरेडी ओवरवेट हैं
जो लोगों का वजन ऑलरेडी ज़्यादा है, इसका मतलब उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो उन लोगों को ज़्यादा फ्रूट का कंजप्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। अगर आप ज़्यादा फ्रूट का कंजप्शन करेंगे तो हो सकता है इनिशियली वेट लॉस हो जाए, लेकिन थोड़े दिनों के बाद एक प्लेट्यू आ जाएगा, उसके बाद वेट लॉस करने में प्रॉब्लम होगी। दूसरा, जिन लोगों का ऑलरेडी ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है, अभी हमने देखा कि फ्रुक्टोज कैसे ट्राइग्लिसराइड लेवल इंक्रीज कर सकता है, तो जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है उन लोगों को ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रूट्स नहीं लेना चाहिए। और तीसरा, जिन लोगों का फैटी लीवर है, अभी हमने फ्रुक्टोज के मेटाबॉलिज्म में देखा कि फ्रुक्टोज लीवर में फैट डिपॉजिट कर सकता है, और ज़्यादा फैट डिपॉजिट से ही फैटी लीवर होता है। तो इसलिए जिसका ऑलरेडी लीवर फैटी है, अगर वो बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज कंज्यूम करेगा तो उसकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो मेरे ओपिनियन में बहुत ज़्यादा फ्रूट का कंजप्शन डायबिटीज रिवर्सल की डाइट में ठीक नहीं है। और मैं कुछ और स्टैट्स आपको देना चाहता हूँ कि 70% से ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट की डेथ हार्ट डिसीज के कारण होती है, दिल की बीमारियों से होती है। तो आज से कुछ अगली वीडियोस मैं डायबिटीज और हार्ट डिसीज के कनेक्शन में बनाऊंगा। तो सबसे पहला वीडियो हम लेंगे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, इन दोनों का क्या कनेक्शन है। जनरली लोग मानते हैं कि जिसको डायबिटीज होती है उसको थोड़े दिनों में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, और जिसको हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको थोड़े दिनों में डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, इन दोनों का क्या कनेक्शन है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। जिन डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को आप जानते हैं उन सबको डायबेक्सी से जोड़िए, क्योंकि जो भी डायबेक्सी से जुड़ेगा उसे कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।